जब शादी डिसाइड हमारी हो रही थी तब ये ध्यान भी नहीं था कि इनका बर्थडे भी है, तो उस हिसाब से शादी भी हो गई। एक दिन पहले बर्थडे 13 तारीख को इनका बर्थडे होता है और 14 को एनिवर्सरी होती है, तो हमने कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। आज स्पेशल है ये तो बहुत स्पेशल है, रश्मि के लिए है स्पेशल, तो इन्हीं का बर्थडे है, सारी खुशियां इन्हीं के लिए मना रहे, और आज शादी को 20 साल भी हो गए। मुझे अच्छा लग रहा है, सभी लोग मेरे लिए यहाँ पे आए हैं, मेरे दोस्त हैं, आप लोग हैं, और बहुत टाइम हो गया। मैंने 4-5 साल पहले इस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, बीच में लॉकडाउन का पीरियड आ गया, सब अपने अपने घरों में लॉक हो गए थे, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा कुछ ऐसा कर लें कि सबसे मिलना फिर से हो जाए इसलिए। और अच्छा दिन तो है ही, हम जन्म लेते हैं वो दिन खुशी से ही मनाते हैं, तो 13 तारीख को मेरा जन्म दिवस था और 14 को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो दोनों अपने आप में ही महत्वपूर्ण दिन है। क्या कुछ स्पेशल है आज? आज स्पेशल ये है कि सब स्पेशल लोग यहाँ पर हैं, उन सबसे मुलाकात हो रही है, सबसे बात हो रही है, ये स्पेशल। मेरे लिए तो स्पेशल बस यही, हम सब मिल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। विजय भट्ट जी हैं, इनके दोस्त हैं बचपन के, उन्होंने ये सारा सब किया है, वो इंदौर से सारी चीजें ये माला बनवा के लाए हैं, वो मुकुट बनवा के लाए हैं, और इस तरीके से सेलिब्रेट करना है, पुष्प से आशीर्वाद दिलवाना है, वो सारी चीजें उनकी क्रिएट की हुई है, तो अच्छा लग रहा है। हम तो ऐसा यहाँ पे सब सोच नहीं पाते, ऐसे पंडित जी से मंत्रोच्चारण करवा के ये सब करना अच्छा लग रहा है। हाँ, ये सरप्राइज नहीं, नहीं हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो, वो तो कुछ तुला दान के लिए मिला लटका रखे बोले तुला दान भी कराऊंगा, भी तो मैंने कहा क्या पता, बता ही नहीं रहे कि क्या करना है, क्या करोगे, बोले आप शांति से रहो, मैं कर दूंगा जो करना है, ऐसा है। 20 साल पहले हम थोड़े जवान थे। अरेंज मैरिज है, सबको लगता है कि लव मैरिज होगा, नहीं उसके लव मैरिज होने के लिए कोई जमाना नहीं होता है, प्यार के लिए कोई जमाने की क्या जरूरत है, उस जमाने में कृष्ण ने भी तो की थी, सभी ने की थी, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज। मैं तो राइटिंग करता हूँ, वही कर रहा हूँ दैनिक जीवन, बाकी ये सिंगिंग करती है, तुम गाने गाते? हाँ, मेरे अभी 2 राजस्थानी गाने मैंने रिकॉर्ड किए हैं, उनकी मेरी शूटिंग है अभी 8-10 दिन बाद, और कुछ मेरी कोशिशें चल रही हैं अभी, वो मैं बताऊंगी नहीं, जब हो जाएंगी तब सबके सामने आएंगी, तो कर रही हूँ मैं अपनी कोशिश सिंगिंग में, एक्टिंग में शुरुआत कर रही हूँ अब अपने लिए। चेंज तो मैं नहीं लाना चाहती, जो ऐसी चीजें हो रही हैं उसको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, कि पुराने जितने भी गाने बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत अच्छी उनकी म्यूजिक है, अच्छे लिरिक्स हैं, सब कुछ है, कुछ तो चेंज करके उनको रिमिक्स करके थोड़ा ठीक करते हैं, वो ठीक है नए जमाने के हिसाब से चेंज हो जाता है, तो लेकिन कुछ गानों का बहुत ही बुरा रूप बिगाड़ देते हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो रुके, बाकी सब ठीक है, पुराना तो ओल्ड और ओल्ड इज गोल्ड होता ही है, मैं क्या चेंज ला पाऊंगी इस क्षेत्र में। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बिल्कुल करती हूँ मैं रिक्रिएशन में बिलीव करती हूँ, लेकिन वो बहुत समझदारी से अच्छे से होना चाहिए, कर्ण प्रिय होना चाहिए, मधुर होना चाहिए,
ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा धाम धूम हो गया वो नहीं अच्छा लगता। जी ऐसा है कि बच्चे हर माता पिता के लिए स्पेशल होते हैं। जब हमारी शादी नहीं होती तो हमें वो चीज का एहसास नहीं होता, लेकिन शादी होने के बाद जब बच्चे होते हैं तो पता चलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट सारी दुनिया की चीजें छोड़ के सारा फोकस उस बच्चे पे ही आ जाता है। और चूंकि मेरा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो मेरा तो पूरा ही मतलब 1000% इन्वॉल्वमेंट उसके साथ ही है मेरा। इसीलिए मैंने यहाँ आने के बाद, मैं यहाँ आई इसीलिए थी मुंबई में, राजेश को बोला था आप इसी फील्ड में हैं, मीडिया में हैं, आप लिखते हैं और मेरा शौक है कि मुझे एक्टिंग करना है, सिंगिंग करना है, तो अच्छा है हम साथ में काम करेंगे। लेकिन डेस्टिनी को शायद कुछ और मंजूर था, तो 20 साल मेरे बच्चे के साथ निकल गए और अब मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा समझदार है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं अपने लिए कुछ करूँ। तो नारी पहले भी भारी थी, रवि भी भारी आप देखिए मैं क्या कहूंगी कि नारी का क्या महत्व है, ये मैं नहीं कहूंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ईश्वर ने, जिसने ये सृष्टि की रचना की है, उस ईश्वर ने सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ नारी को दी है कि वो एक नए जीवन को जन्म दे। तो इससे ज्यादा मैं सबूत और क्या दूं कि नारी कितनी इम्पोर्टेंट है। आज आपकी वैवाहिक वर्षगांठ है, जी आप तो मैं रश्मि जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उनका जो नेचर है बहुत ही बढ़िया नेचर है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं रखती है और जितना कि मैं उसको जानती हूँ, डे वन से जब से उसने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया, मैं एक ग्रुप चलाती हूँ सुपर वुमेन, उसकी फाउंडर हूँ, तब से जो थी आज तक वही नेचर है उसका, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा है। उसका जो दिल है ना बहुत प्योर दिल है और हमेशा अपने लोगों से कभी भी बोलती है कि भाई नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी लेकिन मैं उस इंसान को परखूंगी पहले, तभी जाके मैं निर्णय करूंगी कि कौन सही है कौन गलत है। आजकल के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम है, लेकिन वो ये गुण मैंने रश्मि में देखा है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत ही सच्चे दिल की इंसान है और मैं उसको हमेशा ब्लेस करती हूँ आगे चल के इतना कामयाब पाए वो कि लोग देखते रह जाए। यादें तो बहुत है, कितनी यादें हैं, आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा तो मैं आपको पूरा चिट्ठा बताऊंगी कि कितने यादें हैं रश्मि दुबे के साथ। ऐसे इंसान, ऐसे फ्रेंड मिलना बहुत ही भाग्यशाली होता है इंसान को कि ऐसे फ्रेंड मिला है। रश्मि इज अ वंडरफुल पर्सन और पहले मैंने किरण जी के प्रोग्राम में देखा था जब उन्होंने डांस किया था घूमर पे और आई वॉज वेरी फैसिनेटेड। मतलब उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है नॉर्मल लोगों के बिकॉज ऑफ सन, बट हमेशा वो हंसती रहती हैं और मतलब शी हैज़ अ ज़ेस्ट फॉर लिविंग, जो भी करती है दिल से करती है। शी इज़ अ वंडरफुल कुक, शी इज़ अ हीलर, शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, मतलब दिल के सच्चे, मन के सच्चे और इतनी तकलीफों के बावजूद भी हमेशा सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंड लाइक हर। आई वुड आल्सो वुड लाइक टू से वन मोर थिंग अबाउट रश्मि, शी हैज बीन अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, नॉट ओनली हैंडलिंग हर हाउस, हर किड, हर हस्बैंड, हर फ्रेंड्स अराउंड, ड्यूटीज ऑफ अ वाइफ, अ मदर, अ डॉटर इन लॉ एंड एज अ फ्रेंड, so which is very rare. She's a person to have a lot of power of tolerance and never gives up in life. So this is what I like about her and she's truly a superwoman. I'm glad to have her in my group. वो सबों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है, इतना कुछ जीवन में कर रही हैं और अचीव करेंगी।
she's a role model to all of us and the other women as such. Thank you. कि ये सोने पे सुहागा हो गया, बर्थडे भी एनिवर्सरी भी, तो शुभकामनाएं डबल हो गई. I wish them the best of success, best of health, best of life. और दोनों ही बहुत ही प्यारे कपल्स रहे हैं और मेरे बहुत ही अच्छे अभी क्या फैमिली हो गए हैं हम एक साथ. और खास करके रश्मि जी को तो मैं रश्मि माता कहता हूँ. वो मेरी स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, गाइडेंस भी हैं और बहुत ही एक अजीब किस्म की स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन है उनको. वेरी स्वीट पर्सन एंड अबव ऑल कि उनको कितना शौक है, इतना शिद्दत से वो गाना गाने का उनको इतना शौक है. इतने अच्छे अच्छे रोज शाम को जब लाइव आते हैं वो, तो अच्छा लगता है कि यू नो पुरानी यादों में आप चले जाते हैं, पुराने गाने उनके जरिए सुन रहे हैं आप. और उनके घर में जब भी जाना होता है तो माहौल ही एक प्रकार का होता है. तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ बहुत फ्रेंडली कि जब भी अगर रश्मि जी आपको घर पे बुलाएं तो सबसे पहली बात ये कि आप खाली पेट जाएं, क्योंकि पकौड़े तमाम अलग अलग किस्म की और एक एक अलग सी चटनी है वो भी खाएंगे अजरी है. और फिर गाना खाएं और लोट पोट होके यहाँ तक खाना भरा हो खाए और उसके बाद गाए और प्रस्थान करें. बट एनीवे आई विश देम द बेस्ट ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ एंड द बेस्ट ऑफ हेल्थ, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेस्ड वर्ल्ड है आफ्टर द कोविड एंड इट्स नॉट डूइंग गुड टू एनीबॉडी. एंड आई विश देम ऐसी पार्टियां होते रहें. बेसिक अंडरलाइन इज कि हम सब मिल रहे हैं, देयर इज अ स्माइल एंड वी हैव लॉस्ट इट. हां जी, मैं दोनों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा. और सबसे बड़ी चीज जैसा इन्होंने कहा कि डबल पार्टी है, ये तो जन्मदिन भी है और साथ में सालगिरह भी है रश्मि. तो मैं एक जोरदार पार्टी के उसमें इन लोगों को बहुत अच्छी शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि ये इसी तरीके से पार्टियां करते रहे और हम लोग आते रहे यहाँ पर. अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मिटा दे खाक में हस्ती की अगर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है. बीज की जो यात्रा होती है जमीन के अंदर से, जब अंकुरित होता है, पल्लवित और पुष्पित होता है, हमारी भाभी आदरणीय रश्मि दुबे जी उसी बीज की मानिंद पल्लवित और पुष्पित हुई है. बहुत संघर्षमय जीवन से उन्होंने अपना मकाम हासिल किया है. मैंने तो बहुत करीब से उन्हें देखा है. मेरे भाई, मेरे मित्र, अभिन्न मित्र राजेश दुबे जो स्क्रीन राइटर थे, उसके बाद उन्होंने जो अभी उनके बच्चे के बारे में बताया, उसको उसकी परवरिश करते हुए, भाई का साथ देते हुए, और उन्होंने जो अपना रास्ता चुना, जैसे जब नदी निकलती है तो बड़ी पतली सी धारा से निकलती है, वो बड़े बड़े पहाड़ और जंगलों से निकलती हुई बहती हुई जब वो बड़ी विराट रूप लेती है, हमें भाभी का रश्मि दुबे जी का वो विराट रूप नजर आ रहा है. मैं आज उनकी वैवाहिक वर्षगांठ पर ये कामना करता हूँ कि वे अपने सारे मन में जो उनकी कामना है वो सब पूरी हो और वो अपनी जो राह उन्होंने चुनी है उस पर वो कामयाब हो, ये मेरी शुभकामना है. देखिए ऐसा है कि रश्मि और राजेश, नाम ही दोनों का आर आर है. अभी एक मूवी भी निकली आर आर आर, है ना. तो ये दोनों एक